गीदड़ ने गीदड़ी से कहा, प्रिय किसको पता कि ये मांस पिंड गिरेंगे या नहीं, तुम क्यों मुझे पीछे भेज रही हो। गीदड़ समझदार था, वो बोला कि क्यों तुम मुझे उसके पीछे भेज रही हो, जब पता है क्या कि कब इसके मांस पिंड गिरेंगे और गिरेंगे कि भी नहीं गिरेंगे। हम यहाँ चैन से हैं, जो चूहे इस रास्ते से जल पीने आएंगे हम उन्हें मारकर खा लेंगे, है ना। क्या बोला उन्होंने कि जो चूहे इस रास्ते से आएंगे हम उन्हें मारकर खा लेंगे, यदि मैं इसके पीछे गया तो कोई दूसरा जानवर हमारी इस जगह पर कब्जा कर लेगा। उसने गीदड़ी को समझाया कि ना देखो, हम इसके पीछे जाएंगे तो कोई दूसरा जानवर हमारी जगह पर आ जाएगा और इस पर कब्जा कर लेगा और हमें लाभ भी नहीं हो पाएगा। अनिश्चित लाभ की आशा में निश्चित लाभ का परित्याग कभी अच्छा नहीं होता। अनिश्चित मतलब जिसका पता ही नहीं हो, उसकी आशा में हम क्या सोच रहे हैं कि हम उसके मांसपिंड मिलेंगे, गिरेंगे, हम खाएंगे, है ना। परित्याग मीन्स छोड़ना कभी अच्छा नहीं होता। गीदड़ी तुनक्कर बोली, गीदड़ी बेवकूफ़ थी, वो तुनक्कर बोली, मैं जानती हूँ तुम बहुत कायर और कामचोर हो। वो क्या बोली उसको, तो कायर हो कामचोर हो, तुमको तो काम करना आता नहीं है, तुम में तो कुछ करने का तनिक भी उत्साह नहीं है, जो तुम्हारी तरह थोड़े से चूहों से संतुष्ट हो जाता है वह कभी तरक्की नहीं कर सकता। उसने बोला, अरे तुम तो थोड़े से चूहों में ही खुश रहते हो, तुम कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। अनिच्छा के बावजूद गीदड़ी के आग्रह पर, अनिच्छा मतलब जिसमें इच्छा नहीं थी गीदड़ की, आग्रहमस अनुरोध पर, कहने पर गीदड़ और सांड के पीछे जाना ही पड़ा। गीदड़ को सांड के पीछे जाना पड़ा। गीदड़ और गीदड़ी सांड के पीछे कई दिनों तक घूमते रहे। उनकी आंखें एकदम सांड के लटकते मांस पिंड पर ही लगी रहती। वो घूमते रहे और उनकी आंखें कहाँ लगी रहती, गीदड़ के मांस पिंड पर, कि कब गिरता है कब नहीं गिरता है। परंतु मांस पिंड अब गिरा तब गिरा, लगते हुए भी गिरता ही नहीं था। देखते ऊपर से ऐसे 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 हिलता रहता है मांस पिंड, लेकिन वो गिरता थोड़ी है। इस तरह 15 दिन व्यतीत हो गए तो गीदड़ ने गीदड़ी से कहा, प्रिय न मालूम यह मांसपिंड कभी गिरेगा भी या नहीं, इसलिए अब इसकी आशा छोड़कर हम अपने स्थान पर वापस चलते हैं। कहा कि ये गिरेगा पता ही नहीं गिरेगा, हम अपने वापस अपने घर वापस चलते हैं। परंतु अब वे 15 दिन बाद अपने घर पर आए। गीदड़ी भी हार गई, उसने सोचा 15 दिन हो गए अब कुछ नहीं हो रहा, चलो। उनके घर पर एक भेड़िए ने कब्जा कर लिया था। क्या कर लिया था भेड़िए ने, कब्जा कर लिया था। पहले ही कह रहा था गीदड़ कि कोई कब्जा कर लेगा। गीदड़ कहने लगा, अधिक लालच करना, अधिक लालच अच्छा नहीं होता, तुम्हारे अंधे लालच के कारण ही हम दोनों 15 दिन तक भूखे प्यासे उस सांड के पीछे दौड़ते रहे, है ना, पालतू में उस सांड के पीछे दौड़ते रहे, और अब हमारे घर पर भी भेड़िए ने कब्जा कर लिया है। परंतु अब क्या हो सकता है, उनका घर तो छिन गया था, अब क्या हो सकता है, उनका घर तो छिन गया था। गीदड़ी की मूर्खता के कारण गीदड़ को उसकी बात माननी पड़ी और उनका घर भी छिन गया और वो भूखे प्यासे भी हो गए रहे इतने दिन। सभी जानते हैं कि लालच करना अच्छा नहीं होता, लालच के कारण जो कुछ हमारे पास होता है वो भी हम गवा बैठते हैं, इसलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। बंद कर दे, मुझे रेड वाले बटन पर बंद।